मेरे तो आस ना करियो कि मैं खेतां दा पुत होके तुहाडे चगले होए स्वादां दी गल करांगा, क्योंकि अज भी सिरां वाले हो बंदे किसान मजदूर सड़कां ते उतरे ने हकूमत नूं चैलेंज करन दे लई। खटान बोलते हैं, मचान भी बोलते हैं, बैठने के लिए। यहाँ खेत है तो उसको बचाने के लिए पशुओं के हमने बनाया है। अगर हम इसको ना बनाएं तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। अरे यहाँ जानवरों का बहुत खतरा है। गाय खुला जो है ये बहुत घूम रही है। छोटा छोटा जब गन्ना होता है तो हम लोग रात भर गन्ना में बचाते हैं, और जो गन्ना बड़ा हो जाता है तो गन्ना खाना फिर बंद कर देते, फिर चूना ही खाने लगते हैं। सरकार बोलती है अगर तार की वजह से किसी जानवर का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई जिसने लगाई होगी तार वो करेगा। तार हम लोग इसलिए लगाते हैं कि तार से थोड़ा जानवर मानते हैं, तो इसीलिए जाते नहीं है तार के पास में, तो इसीलिए तार लगाते हैं। अगर तार ना लगाएं तो बिल्कुल हमारा कुछ नहीं बचता। मेरे तो आस ना करियो कि मैं खेतों का पुत होके तुहाडे चगले हुए स्वादा की गल करांगा। कदे कवि इनकलाबी कवि पाश ने सत्रां कहियां तां अज भी वह ढुकदियां ने, क्योंकि अज भी सिरां वाले वो बंदे किसान मजदूर सड़कां ते उतरे ने हकूमत नूं चैलेंज करन दे लई कि सानूं जो नहीं चाहीदा थोपिया क्यों जा रहा है। असीं खड़े हाँ यूपी दे खेतां दे अंदर कि राखी करदिआं करदिआं इत्थों दे किसान मूल निवासी थक जांदे ने, पर उहनां दीआं फसलां दा मुल नहीं पैंदा। असीं इस वेले जिवें पंजाबी दे विच कहा जांदा है कि एक छपरी एक मोर्चा बनिया होया जिथे बैठ के किसान मजदूर अपने फसलों की राखी करते हैं, पर दूजे पासे इन्हां किसानां मजदूरां दी लोकां दी राखी करन वाली सरकार वो अपनी राखी कर रही है कि नहीं कर रही। उन्हां दे उत्ते कहावत पंजाबी दी बहुत मशहूर ढुकदी है कि जब वाड़ ही खेत नूं खाण लगे तो फिर फसलों की राखी किस तरह की जा सकती है। पर दूजे पासे असीं इन्हां दे मूल निवासी किसानां दे नाल कुछ किसानां दे नाल गलबात करांगे। ये झोने की कुछ कु फसल नज़र आ रही है तस्वीर दे विच, और गन्ने दे खेत इत्थे देखण नूं मिलणगे, खास करके लखीमपुर ज़िले दे अंदर जिथे एक वड्डी घटना वापरी। उस तो बाद लखीमपुर का नाम पूरी दुनिया विच जांदा, सारी दुनिया जिसनों भी पता लगता कि किस तरह हकूमत वालों कारां चढ़ा के किसानां नूं दरड़िया जांदा है, कतल किए जाते हैं। पर दूजे पासे फसल बीजद्या खेती करद्या भी किसान वड्डियां कुरबानियां दिंदे ने, ते साडे नाल कुछ इत्थों दे भी किसान ने इन्हां तों जाणदे आ कि राखी कदों तों करदे ने, इन्हां दे मुल फसलां दे पै रहे ने कि नहीं पै रहे। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है और कब से खेती कर रहे हैं? हमारा नाम गंगाराम है जी। हाँ, हम खेती काफ़ी दिन से कर रहे हैं, कम से कम 30-35 साल से, जब से हम हुए हैं तब से खेती कर रहे हैं। बाकी हमारे पापा और बाबा वाबा किया होगा। आप अपने कल्चर के हिसाब से, जिस जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ये छपरी नुमा एक छपरी है जी, हाँ। तो आप इसको क्या बोलते हैं पहले? इसको हम अटान बोलते हैं, मचान भी बोलते हैं, बैठने के लिए। यहाँ खेत है तो उसको बचाने के लिए पशुओं के हमने बनाया है। अगर हम इसको ना बनाएं तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए हम इसको बनाए हैं। कभी लेट भी जाते हैं, बैठे भी रहते हैं, एक दो बंदे और आ जाते हैं पड़ोसी उड़ोसी इधर के, वो भी बैठ जाते हैं, फिर हम लोग बात किया करते हैं, फिर जानवर आते हैं, फिर भगा देते हैं, वो चले जाते हैं। जानवरों का कितना खतरा बना रहता है किसी फसल को या आपको? अरे यहाँ जानवरों का बहुत खतरा है। गाय खुला जो है ये बहुत घूम रही है। छोटा छोटा जब गन्ना होता है तो हम लोग रात भर गन्ना में बचाते हैं, और जो गन्ना बड़ा हो जाता है तो गन्ना खाना फिर बंद कर देते, फिर चूना ही खाने लगते हैं, धान खाने लगते हैं, तो फिर धान हम लोग बचाते हैं। हम लोग एक घर का सदस्य बिल्कुल जमीने पर रहता है बचाने के लिए, क्योंकि 24 घंटे में से कितने घंटे यहाँ बीत जाते हैं आपके? हम लोगों को कम से कम 10-12 घंटा यहाँ बीत जाते हैं जी। बस खाना खाने जाते हैं घर पे, फिर आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, और यही बचाया करते हैं इधर उधर देखा कर। मैंने बोला कि ये बाउंड्री लगाई हुई है, जो वाड़ बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बाध उध लगाते हैं जी, जी। हाँ, इसको रूंधते हैं। सरकार ने जो एक तार लगाने की मनाई की हुई है यहाँ पे, तो रस्सी बांधी हुई है आपने? रस्सी बांधने से जानवर मानते नहीं, रस्सी से डाल के मूड़ घुस जाते हैं। लेकिन सरकार बोलती है अगर तार की वजह से किसी जानवर का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई जिसने लगाई होगी तार वो करेगा, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है। तार हम लोग इसलिए लगाते हैं कि तार से थोड़ा जानवर मानते हैं, तो इसीलिए जाते नहीं है तार के पास में, तो इसीलिए तार लगाते हैं। अगर तार ना लगाएं तो बिल्कुल हमारा कुछ नहीं बचता। आपको कभी सरकार के लोग आकर कहते हैं खेत में कि तार नहीं लगानी? ये हमसे अभी कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा कि तुम तार क्यों लगाते हो। तार बंद कर देंगे तो हम लोग लगाना बंद कर देंगे, लेकिन फिर हम लोग क्या खाएंगे यहाँ? कुछ बचेगा ही नहीं, जानवर सब खा जाएंगे, तो इसीलिए हम तार लगाते हैं। तो वो अपनी गाय पकड़वा लें और ले जाएं, तो हम तार उर क्या लगाने की जरूरत? हम अपना काम करेंगे, दूसरा तो हम पैसे तो पाएंगे, थोड़े बहुत मजदूरी करेंगे, ऐसे तो हम यहीं बैठे रहते हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या नाम है? राजकुमार गौतम जी। आप भी खेत में काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं?
जब से पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं खेत में, लगभग हम हो गए हैं 30-35 साल हम हो गए यहाँ जी। तो आपका कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात बने हुए हैं यूपी के, क्योंकि बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो आंदोलन चल रहा है खास करके किसान आंदोलन, वो पंजाब और हरियाणा का है, आपको क्या लगता है कि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा हैं या नहीं है हिस्सा? इसमें हिस्सा क्यों नहीं, हिस्सा तो है, पूरी जनता के रहा है, हमारा भी है। और इसमें हिस्सा ना हो तो हम लोग खाएंगे क्या? और निखिल मोदी योगी है तो ये तो अपनी अपना चला रहे हैं और किसान वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तब कहते हैं ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कर्जा माफ़ करवा देंगे और 4-4 हज़ार रुपया डालेंगे, 10-10 हज़ार रुपया डालेंगे, 12-12 हज़ार, खाली जनता के यहाँ बहकायम लेके अपना वोट ले लेता है और बाद में काम करता नहीं है। और आपकी जो किसानों की खेत मजदूर हैं जो, उनके हालात क्या हैं ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाए तो? आप तो उनमें से एक हैं आप भी, तो उनके हालात क्या हैं यहाँ पे? उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जिनके पास ज़मीनों हैं उसके हालात ना ठीक है, जिनके पास है ये नहीं मजदूरी सारे, और जिनके पास है ज़मीन जब उसके खेते में ही नहीं होगा तो लेबर का पाएंगे, जब खेत में ही है तो लेबर काम करी है तो लेबर पर ही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब कि यहाँ पे फसल का जो MSP है वो अभी का आपको कभी मिला है जिंदगी में? कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। धान का क्या मिलता है मूल्य आपको? धान का मूल्य 1400 रुपये क्विंटल है, लेकिन हमारे पास जब बचेगा तभी तो हम बेचेंगे, जब हमारे पास बचता ही नहीं, खाने भरे होता है केवल, हाँ बचता नहीं है। और गन्ने का पेमेंट बता रहे थे कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हम 14 दिन में दिला देंगे, तभी जनता ने इनको दे दिया वोट, और अब 14 दिन के क्या 14 महीना हो गए, हमें अभी पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग तो वैसे बहुत दुखी हैं सरकार से, हाँ इसीलिए हम लोग क्या करें, मजबूरी है हम लोगों के, आगे बैठे हैं आराम से। पशुपालन का धंधा भी चलता है साथ में? हाँ पशुपालन का धंधा चलता है, अब चारा लाएँ कि इसको बचाएँ हम, चारा लाएँ तो चारा बो देते हैं, चारा भी नहीं रखते हैं, बरसीन पहले बो देते थे हो जाता था, लेकिन जब से ये जानवर खुल गए हैं तब से बरसीन भी नहीं होती है, कोई चारा फट्टा का एक सदस्य तो घर का यहीं रहता है, टान पे बचाते हैं और बाकी घर के हैं जो अपना काम करते हैं दूसरा। और मैं आपसे खेतों में बैठकर हम आपसे बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि सारी दुनिया हमें देख रही है कि कैसे हालात हैं यहाँ के किसान मजदूर के। यहाँ के हालात किसानों के बहुत ख़राब है, और क्या इस सरकार में बहुत हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं दुखी हुए थे जितना इस समय दुखी हैं। अब हम लोग यही सहारा लगाते हैं सरकार बदल जाए तो कुछ हमें लोगों को राहत मिल जाएगी, हाँ इसीलिए अब क्या करें, मजबूरी हम लोगों के आगे है। बच्चे हैं जो यहाँ पे सरकारी स्कूल कितने हैं, क्योंकि दूर दूर हम भी जाकर देख रहे हैं ना तो सरकारी स्कूल नज़र नहीं आते, प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा। सरकारी स्कूल यहाँ महाविद्यालय कोई बने ही नहीं ऊँची पढ़ाई के लिए, बच्चों के पास हम लोगों के पास पैसे नहीं तो कहाँ भेज पाएंगे ऊँची पढ़ाई के लिए। और यहाँ महाविद्यालय बनवाने चाहिए, बड़े बड़े अस्पताल बनवाने चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो बाढ़ वाला इलाका है इधर, बाढ़ में ज़मीन चली जाती है और बाढ़ में स्कूल भी बंद रहते हैं, जाने के लिए बस उस बंद हो जाती हैं, रपटा पुल पर चलने लगती हैं बाढ़ उड़, तो इसलिए बहुत परेशानी यहाँ है, यूपी की बहुत हालात ख़राब है यहाँ की। असी गलबात करने की कोशिश की है कि जो वाड़ लगाई जाती है जानवरों का इतने नुकसान बहुत व्डा है, वारा पशु पै जाते हैं, इन्होंने कहा जेकर सरकार प्रबंध करे तो बहुत कुछ बचाया जा सकता, इन्हों दे जिंदगी दे विच्चों 24 घंटे दे विच्चों 12-13 घंटे खेतों दे विच सिर्फ ते सिर्फ राखी करन लग जांदे ने, इस तो इलावा होर किन्ने काम खेतों दे विच हुंदे ने, तो यह सारिया गल्लां नूं ध्यान विच रखदिआं होइआं इन्हां ने सरकार तों भी मंग कीती है कि इस तरह का माहौल ना बनाया जाए, और सरकार तों खुश नहीं नज़र आ रहे किसान यूपी दे, तां असीं ग्राउंड जीरो तों जाणन की कोशिश कर रहे हैं कि जिवें अंदोलन नूं लैके असीं सवाल कीता कि किसान अंदोलन जिवें सरकार कह रही है कि कुछ पंजाब ते हरियाणे विच उठ के दिल्ली दियां बरूहां ते आ जांदे ने किसान, पर ये कहिंदे कि नहीं असीं यूपी दे किसान भी उस अंदोलन दा हिस्सा, असीं वख किवें आ, तां इह सारियां गल्लां असीं इहनां दे नाल करन दी कोशिश कीती है। इकल्ला खेत मजदूर ते किसान फसल नूं उगाउण तक ही सीमित नहीं है, उस तों बाद उस नूं बचाउण दे लई किन्ने घंटे इहनां दे खपत हो जांदे ने, पर उहनां दे बदले इहनां नूं MSP तक नहीं मिलदा, तां सानूं उम्मीद है कि ग्राउंड जीरो तों कीती हुई रिपोर्ट सरकार तक जदों पुजेगी तां सरकार कुछ ना कुछ इहनां किसानां लई इहनां मजदूरां लई जरूर करेगी। साथी कैमरामैन गुरविंदर सिंह दे नाल संदीप लादूका, द समर न्यूज़ यूपी। लेट मी टेल यू फ्रीडम क्या है। फ्रीडम अधूरी नींद से, फ्रीडम शोल्डर और कमर के दर्द से, फ्रीडम सुबह के चिड़चिड़ेपन से। हमें पता है 8 घंटों की सुकून वाली नींद कितनी जरूरी है। अब अपने घर में किसी 5-स्टार होटल के लग्जूरियस मैट्रेस पर आने वाली शानदार नींद के लिए चुने फ्रीडम मैट्रेस। कंफर्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, वैल्यू फॉर मनी और लाइफ टाइम वारंटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन मैट्रेस फ्रीडम मैट्रेस।